नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एकदम बहुत ही यमी नाश्ता। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमने कढ़ाई में तेल डाला है, 2 चम्मच तेल है ये हमारा। हमारा तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे। ये जीरा डाल दिए हैं, डालेंगे। और ये 2 हमने बड़े साइज़ का प्याज काटा है, इसको हम डाल देते हैं। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे। ये हम अदरक लिए हैं, इसको हम कद्दू करके डालेंगे इसमें। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें 2 मिर्च काटे हैं उसको डालेंगे। अब हम ये आलू डालेंगे। आलू हमने उबाल के हम इसको मैश कर लिए हैं अच्छे से। अब इसको हम इसमें डाल देते हैं सारी आलू। इसको हम अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, जो ये हम हल्दी डाल दिए हैं, इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये देखिए, और थोड़ा सा सब्जी मसाला डालेंगे। ये हमने धनिया और गरम मसाला हमने मिक्स करके रखा है, 1/2 चम्मच डाल देते हैं इसको। ये हमारा दम आलू मसाला है, जो बहुत ही अच्छा इसका कलर हो और इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। हम इसको 1/2 चम्मच डाल, 1/2 चम्मच हम अमचूर पाउडर डालेंगे इसमें, और ये नमक डालते हैं। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। ये हमारा मूंगफली है जो हमने फ्राई करके रखा है, इसको भी हम इसी में डाल देंगे। ये देखिए, हम अच्छे से सारा चीज़ मिक्स कर लेंगे। मूंगफली का जिसमें टेक्स्चर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास मटर हो तो आप मटर भी यूज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मूंगफली ही यूज हो, हम मटर भी इसमें डाल सकते हैं। ये हमारा रेडी हो गया है, इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ठंडा करने के लिए। हम गैस बंद कर देंगे, इसको हम निकाल लेंगे इसको थाली में अच्छे से। जब तक हमारा भरवा ठंडा हो रहा है तब तक हम ये डो बना लेते हैं। जिसके लिए हम 1 कटोरी मैदा लिए हैं, इसमें हमें अजवाइन डालेंगे ऐसे क्रश के, ये डाल दिए हैं। थोड़ा सा इसमें हम नमक डालेंगे, ये थोड़ा सा हम नमक डाल दिए हैं। अब इसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे, आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मोवे से अब सारी चीज़ें हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा आटा, मतलब मोवा हमें इस तरह से देना है जो हाथ ऐसे मुट्ठी बंद करें तो ये खुले नहीं, इस तरह। तो ये हमारा मोवा एकदम परफेक्ट है। अब इसमें हम थोड़ा सा सोडा डालेंगे, मीठा सोडा जो खाने वाला है वो सोडा। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा बस डालना है। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, इसको अच्छे से हम डो इसका तैयार करेंगे मैदे का। ये हमारा डो अच्छे से रेडी हो गया है, इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। हमारा आटा अच्छे सेट हो गया है, इसको हम ऐसे ऐसे करके थोड़ा से और अच्छे से सेट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हो गया है। अब इसको हम छोटी छोटी लोइयां काटेंगे इसकी, ये देखिए इस तरह से, इतनी छोटी छोटी ऐसे हम काट लेंगे इसको सारा। इसमें हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे इस तरह की से, और हम जैसे आपके पास इस तरह से जैसे छन्ना होता है ना पूड़ी निकालने वाला, हम उसी पे इसको रखेंगे इस तरह से, और ऐसे प्रेशर करेंगे तो ये देखिए पीछे अच्छा सा डिजाइन आ जाएगा। फिर इसको हम ऐसे निकाल देंगे। अब इसमें हम ये जो भरवा था हम इसको ऐसे भरेंगे, इस तरीके से भरेंगे, और इसको हम अच्छे से ऐसे चिपका देंगे। ये देखिए ऐसे चिपक जाएगा, ये देखिए। इसी तरीके से हम पूरा बना के रख लेते हैं। हम एक और आपको बता रहे हैं बनाना, ये देखिए इस तरीके से ऐसे प्रेशर कर देंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से
अब इसी पे हम रख देंगे, ये अपना भरवा ऐसे रखेंगे इस तरीके से, और इसको हम ऐसे ला के इसमें सेट कर देंगे। और फिर इसको ऐसे हाथ में ले लेंगे। ये देखिए, अगर आपसे चिपक नहीं रहा है, खुलने का डर हो, तो इसमें थोड़ा सा पानी लगा लीजिएगा, तब ये चिपक जाएगा, अच्छे से निकलेगा नहीं। ये देखिए, इस तरीके से हम चिपका के रख देंगे। देखिए कितना अच्छा इसका डिज़ाइन आ रहा है। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम जो बनाए थे ये ऐसे डाल देंगे, और गैस को एकदम धीमा ही रखेंगे, लो मीडियम पे होना चाहिए ताकि हमारा ये अच्छे से पके। तो ऐसे डाल देंगे, इसको धीरे धीरे ऐसे पकने देंगे। एक तरफ से हमारा सीख गया है, दूसरी तरफ पलट दिए हैं। ये देखिए कलर आ रहा है अच्छे से। हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। हम आपको एक डिज़ाइन और बताते हैं बनाना। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, इसको बेल के भी। ये हमने चक्की रखा है, इसको हम ऐसे बेल लेते हैं, जैसे पूड़ी की शेप में बेल के इसको हम गुजिया की तरह बना सकते हैं। आपको अगर जल्दी बनाना हो झटपट, तो हम इस तरह से बेल के अब इसमें रख सकते हैं। हम इस तरह से भी इसको अच्छे से भरवा इसमें डालकर, इसमें जो मूंगफली है इसका टेक्स्चर बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। ये देखिए, हम इस तरह से इसको कर देंगे ऐसे। इसमें हम ऐसे साइड साइड थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए, ऐसे ऐसे लगा देते हैं और इसको हम अच्छे से चिपका देंगे। ये इस तरीके से चिपक जाएगा अच्छे से। ये एकदम आसान है बनाना। ये देखिए, इस तरह से हम चिपका लिए इसको। इस तरह से हम जल्दी से, अगर झटपट हमको नाश्ता बनाना है, हमें देर हो रही है, हमें कहीं जाना है, तो हम अपने अच्छे से बना सकते हैं इसको। कि कोई भी खा सकता है, बच्चे भी खा सकते हैं। अगर बच्चे खा रहे हैं तो इसमें जो भरवा डालें उसमें लाल मिर्च स्किप कर दीजिएगा। बाकी ये देखिए, अच्छे से हमारा बन गया है। ये देखिए, हमारा बन के तैयार है एकदम सुबह सुबह का नाश्ता। ये हमारा टमाटो केचप है, आप चटनी के साथ, चाय के साथ भी ले सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर है। ये देखिए, ये एकदम समोसे की तरह है। ये देखिए, तो आप लोग को वीडियो पसंद आया तो हमारा वीडियो शेयर करें, लाइक करें हमारे चैनल, हमारे और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।